भारत में बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी जा चुकी है और 2022 तक बुलेट ट्रेन बनकर तैयार भी हो जाएगी। इस परियोजना के निर्माण में 1,01,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे जापान की मदद की वजह से बुलेट ट्रेन का निर्माण फ्री में हो रहा है। भारतीय और विशेष करके हम गुजराती और अहमदाबादी जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं या बिक्री की बात आती है तो बराबर तोल मोल का हिसाब लगाते हैं, एक एक पैसे का हिसाब लगाते हैं, घाटे और फायदे के रूप रंग बराबर चकासते हैं। जब हम एक छोटा सा बाइक भी खरीदने के लिए जाएं और बैंक से लोन ले जाएं तो 10 बैंकों में चक्कर काटेंगे, एक बैंक में 10-10 बार जाएंगे, और कम रेट से कम ब्याज दर से कौन लोन देगा उसका जरा हिसाब लगाते हैं। कोई बैंक 8% बताती होगी, कोई बैंक 9% बताती होगी, और फिर हम हिसाब लगाते होंगे, जोड़ तोड़ करते होंगे कि इतने परसेंटेज ब्याज से अगर मैं बाइक लाता हूं और जब बैंक को मैं ब्याज समेत पैसे लौटाऊंगा तब मेरे बाइक की कीमत क्या बनेगी, कितने साल में बनेगी, ये बहुत बारीकी से देखते हैं। बैंक वाला भी थक जाए उतनी बार बैंक के दरवाजे पर जाते हैं, जरा यार कम करो, 8% में नहीं ब्याज ले सकता, 9% में नहीं ले सकता, थोड़ा कम करो, 0.5% भी कोई कम कर दे तो खुशी मनाते हैं। ये हम भली भांति जानते हैं और अहमदाबादी तो शायद बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए दोस्तों, कोई ऐसा दोस्त, ऐसी बैंक नहीं मिल सकती जैसे भारत को अब ईशान जैसा दोस्त मिला है दोस्तों, जापान जैसा दोस्त मिला है। अगर कोई ये कहे कि बिना ब्याज के ही लोन ले लो और 10-20 नहीं 50 साल में चुकाना, तो कोई यकीन करेगा क्या? लोगों को ऐसा बैंक नहीं मिलते, लेकिन भारत को ऐसा दोस्त मिला है जिसने बुलेट ट्रेन के लिए 88,000 करोड़ रुपया 88,000 करोड़ रुपीस सिर्फ 0.1% 0.1% ब्याज दर से ये बुलेट ट्रेन के लिए पैसा देने का फैसला किया है। मैं हैरान हूं, जब मैं गुजरात में था तब मैं बुलेट ट्रेन की जब बात करता था तो मुझे पूछा जाता था, मोदी बातें करता है बुलेट ट्रेन क्यों लाए, कब लाएंगे, कब लाएंगे, कब लाएंगे। अब जब लाना शुरू किया तो पूछ रहे क्यों लाए। भाइयों बहनों, ये बुलेट ट्रेन एक प्रकार से जापान की भारत को बहुत बड़ी सौगात है, एक प्रकार से मुफ्त में ये पूरा प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, और मैं जापान का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इस प्रोजेक्ट के लिए तकनीक और आर्थिक मदद के साथ भारत के सहयोग के लिए आज हमारे साथ जुड़ा है, आगे आया है। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन के निर्माण में आ रहे 1,01,000 करोड़ रुपए के खर्च में से 88,000 करोड़ रुपए जापान लोन के तौर पर दे रहा है, जिसे भारत को 50 सालों में 1% ब्याज दर के हिसाब से चुकाना होगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।